मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप ये व्यू देख रहे हैं, लास्ट वीडियो जहां हमने एंड किया था मानसरोवर। हाँ जी, मानसरोवर जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी है, उसी में अभी मैं हूं। और लास्ट वीडियो हमने यहां के बाईपास, जो पीछे सिग्नल आप देख रहे हैं, यहां तक बाईपास का जो रोड है उसका हमने वीडियो बनाया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगा इसी में नीचे, आप ज़रूर देखें। और क्योंकि वहीं से वो सीरीज़ शुरू हुई है मानसरोवर की, और आपको समझ में भी आएगा। और इस वीडियो को आज हम मानसरोवर के दूसरे पार्ट तक जाने वाले हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो अजमेर दिल्ली और सीकर बाईपास रोड यहाँ से शुरू होती है, जो इस सिग्नल से जहाँ अभी हम खड़े हैं वहाँ से राइट साइड में जो रास्ता निकलता है, ये साइड में ये वो रोड है जिससे हमने लास्ट वीडियो बनाया था। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। और अभी हम मानसरोवर में, ये जो रोड है ये वैसे आगे एयरपोर्ट की तरफ या टोंक रोड में जाके मिलती है, तो आइए इसी रोड पर आगे चलते हैं। और ये आगे चलते ही यहाँ पर प्योर वेल हॉस्पिटल, कालरास प्योर वेल हॉस्पिटल है, बड़ा एक हॉस्पिटल। और ये सामने का व्यू, और ये आप जो बिल्डिंगें देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसे ये यहाँ से शुरू होती है। और ये जो बिल्डिंगें हैं, ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग है, राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाई हुई बिल्डिंग है। और ये यहाँ का व्यू, आइए और आगे चलते हैं। और ये आगे चलते ही सिग्नल दिख रहा हूँ, रेड लाइट, इधर से ये एक रास्ता इधर जा रहा है जिसके पीछे, और इधर का ये पूरा व्यू। और ये श्री सिद्ध सूर्यमुखी बालाजी मंदिर यहाँ पर इस रोड के ऊपर, ये रोड मध्य मार्ग मानसरोवर का, मध्य यानी बीच का मध्य मार्ग। और ये भगवान महावीर चौराहा एस एफ एस बोलेंगे। तो ये इधर जो सामने कॉलोनी है, ये पूरी ये SFS की कॉलोनी है, पीछे तक बहुत बड़ी कॉलोनी है। और ये यहाँ का जो चौक है, इसका नाम है ये भगवान महावीर चौराहा। और ये मध्य मार्ग का व्यू। अभी हम इस रोड पे आगे चलते हैं, आगे जो ये एयरपोर्ट की तरफ रोड जा रही, लेकिन हम मानसरोवर में ही आगे तक चलते हैं, आइए। और ये सिग्नल से आगे निकलते ही प्रियूस नेरो एंड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल ये यहाँ पर। और ये यहाँ का व्यू, ये इलाका जैसे मैंने आपको पहले बताया SFS का इलाका है, SFS एक कॉलोनी का नाम है यहाँ पर। और ये पूरा जो सामने जो रोड के उस साइड में जो टंकी और ये बिल्डिंग जो हॉस्पिटल का इलाका, ये पूरा SFS का इलाका है। और इधर हाउसिंग बोर्ड के, ये राजस्थान आवासीय मंडल हाउसिंग बोर्ड, आइए आगे चलते हैं। और ये जयपुर चौपाटी मानसरोवर RH यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जो ऊपर लोगो लगा रखा है, ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट हमने पीछे देखे हैं, उसके बाद में ये चौपाटी का इलाका, जयपुर चौपाटी बना दी यहाँ पर। इसका एक अलग से मैं आपको वीडियो पूरा दिखाऊंगा, इसमें अलग से वीडियो दे दूंगा। और ये यहाँ पर इसके सामने पार्क है, द्वारिकाधीश पार्क। और ये यहाँ का सामने का रोड, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, और सामने आप देखेंगे ये झूलेलाल मंदिर, इसे बोलते हैं मंदिर हंस विहार, झूलेलाल का मंदिर, बड़ा मंदिर है ये इसी रोड के ऊपर। और ये यहाँ का व्यू, इधर से अभी हम आए हैं, और अभी आगे हम इधर इस रोड पे आगे चलते हैं। और ये सिग्नल यहाँ पर इस रोड का, जहाँ से सीधा जो रोड जा रहा है, जो ट्रैफिक आपको सीधा जाता दिखाई दे रहा है, ये एयरपोर्ट और टोंक रोड को जा रहा है। और यदि यहाँ से हम, जिधर ये एम्बुलेंस बोल रही है, राइट साइड में निकलते हैं सिग्नल से, तो इंडस एरिया है। और इस साइड में
ये आपका शिप्रा पथ है, और ये बाजू में यहाँ पर ये वही पार्क जो हमने देखा था चौपाटी से शुरू होकर, मैं आपको घुमा के दिखाऊँ तो पीछे चौपाटी आया था वहीं से ये पार्क शुरू होता है, काफ़ी बड़ा द्वारकाधीश ये बड़ा पार्क है। ये यहाँ का व्यू है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आपको मैं पूरा मानसरोवर दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मानसरोवर बहुत बड़ा एक कॉलोनी है, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी है, तो एक वीडियो में ये नहीं आ सकता। तो लास्ट वीडियो भी मानसरोवर का हमने बनाया था, यदि नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, और ये वीडियो अगले वीडियो यहीं से शुरू करके और मानसरोवर को हम और आगे देखेंगे, और आगे आने वाले कुछ वीडियो में पूरा मानसरोवर देख लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।